प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक ले रहे जगह जगह सभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मुंगेली और राजनांदगांव में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। मतदाताओं को जागरूक करने राजधानी के नंदनवन में नेचर वॉक का किया गया आयोजन। और प्रदेश भर में नवरात्र की अष्टमी और रामनवमी की धूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राजनांदगांव के डोंगरगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सिर्फ 5 साल मोदी जी ने शासन किया, 5 साल। 5 साल के अंदर इन्होंने 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.35 करोड़ परिवारों के घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का कोई भी खर्चा हो जाए, 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए, मुफ्त में कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। राम जब 14 वर्ष के अपने वनवास के कार्यकाल में थे तो उन्होंने दंडकारण्य के रूप में सर्वप्रथम धर्म की भूमि बनाने का बेड़ा किसी एक क्षेत्र को लिया था, तो यही छत्तीसगढ़ की भूमि है जिस क्षेत्र में आज आप सबको रहने, अपने जीवन को आगे बढ़ाने, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप सबको योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्मृतियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र हम सबको अपने आप को इन क्षेत्रों के साथ जोड़ करके हमारे जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का सौभाग्य प्रदान करता है। उधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरिया में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को सही दिशा देने वालों के हाथों में सरकार सौंपनी चाहिए जो आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके। लेकिन वो लोग जिनके पास आज घर नहीं है और जब प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास आता है तो कहते हैं कि हम कहां बनाए, गांव में जमीन नहीं, शहर में जमीन नहीं। हर ऐसे व्यक्ति के लिए कानून में जमीन का अधिकार, पट्टे का अधिकार, गांव में बाड़ी का अधिकार, ये है इस चुनाव का मुद्दा और इसके लिए हम लोग आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। इधर जांजगीर चांपा के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन मांगा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज ने कहा कि युवा मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि जिस प्रकार युवाओं में जो जोश है और स्वयं के खर्चे पे स्वयं का झंडा लगाए हुए मोटरसाइकिल में हमको हमारी गाड़ी से उतरवा के आपको मोटरसाइकिल में चलने की बात कर रहे हैं,
तो युवा कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ता में जितना जोश है, ये पूरा प्रदेश में जो बदलाव का लहर चला है, ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 11 से 11 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज मुंगेली और राजनांदगांव में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सबसे पहले मुंगेली जिले पहुंचे और चुनाव तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री साहू ने एग्रीकल्चर कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया और अधूरी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो स्ट्रांग रूम है और काउंटिंग सेंटर भी है। इसका जायजा लेने के लिए आयोग की तरफ से हम आए हुए हैं। जो इसमें फ्लोर प्लान है उसका कंफर्मेशन लेना था, प्लस इसका मूवमेंट प्लान का भी कंफर्मेशन लेना था। जो व्यवस्था है उसका कंफर्मेशन लेना था। इसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और जो रिवाइज होकर जो प्लान है वो हमको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, तो हम उसको फिर आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदित करके भेजेंगे। सुरक्षा की पूरी तैयारी, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की घटना होने नहीं देंगे, इसलिए उसके चिंता के विषय नहीं है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सभी को दिए गए हैं, पर्याप्त पानी, छाया, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए कुछ बेसिक दवाइयां जो हैं वो पोलिंग टीम्स को दे दी गई हैं, तो उसमें मुंगेली क्षेत्र के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत दूरी रिमोट एरियाज नहीं है। एम्बुलेंस की व्यवस्था एम्बुलेंस स्टैंड बाय में होगी, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आना। इस मौके पर श्री साहू ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज राजनांदगांव में भी चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने एफसीआई गोदाम में बनाए गए मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद श्री साहू ने कलेक्टर सभा कक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। गौरतलब है कि राजनांदगांव में मतदान के लिए 1520 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। श्री साहू राजनांदगांव के बाद दुर्ग पहुंचे, जहां वे अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तहत शत प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बसवराजू एस के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के तहत नंदनवन में नेचर वॉक का आयोजन किया गया। प्रतिदिन की तरह आज भी बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में कुटुंब न्यायालय रायपुर के प्रधान न्यायाधीश आर के अग्रवाल, वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता, संस्कृति विभाग के उपसंचालक राहुल सिंह और महिला बाल विकास अधिकारी एके पांडे भी शामिल हुए। ये रैली शास्त्री चौक टाटीबंध होते हुए नंदनवन पहुंची, जहां स्थानीय ग्रामीण चंद्रिका ने सभी लोगों को आगामी 23 अप्रैल को मतदान करने की शपथ दिलाई। इसके बाद रैली में शामिल सभी लोगों ने नेचर वॉक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर महिला बाल विकास अधिकारी एके पांडे ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं। हमारे महिला बाल विकास की जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत क्रिएटिव तरीके से इस स्वीप कार्यक्रम को अंजाम दिया है। कोई ऐसा स्पॉट नहीं छूटा है जहां पर कि हम लोग मतदाताओं को कन्विंस करने के लिए प्रयास ना किए हों। जहां तक आप नहीं सोच सकते हैं कि मतदाताओं को यहां भी जागरूक किया जा सकता है, वहां भी हमारी सुपरवाइजरें पहुंची हैं। विशेष रूप से छाता रैली निकालकर जो एक अद्भुत था, कल बच्चों ने पतंग पर भी मोर रायपुर वोट रायपुर लिखा। जितने पियाऊ सेंटर हैं, दुकान हैं, मॉल हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, सभी जगहों पर हमारी महिलाएं पहुंची हैं और लोगों को वोट की शपथ दिलाई हैं। गौरतलब है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए तीसरे चरण में आगामी 23 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में आज नवरात्र की अष्टमी और रामनवमी की धूम है। सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह होते ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर मां भगवती की विधि विधान से पूजा कर हवन किया। इसके बाद मंदिरों और घरों में कन्याओं को भोज कराकर उनका आशीर्वाद लिया गया। वहीं कई स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित राजराजेश्वरी और जगदम्बा मंदिर में भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है, जिसके चलते मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्था की है।
इस अवसर पर पंडित देवदत्त शास्त्री ने बताया कि मानव समाज के कल्याण के लिए मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। श्री राज राजेश्वरी मंदिर सेक्टर 6 में हमारे यहाँ धृत एवं तेल की ज्योति स्थापना की जाती है। यहाँ पर तेल का 101 ज्योत, घी का 51 ज्योत स्थापना की गई है। उसके उपरांत आज अष्टमी नवमी का हवन हुआ है। हवन के उपरांत कन्या भोजन, प्रसाद वितरण बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें मानव समाज के कल्याण के लिए यह सब किया जाता है। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। वहीं आज रामनवमी भी है। इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन को मनाने के लिए प्रदेश भर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। कई जगहों पर प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश की जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जनता को रामनवमी की बधाई दी है। जशपुर जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार चुनाव तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में दोनों अधिकारियों ने पत्थलगांव क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदान सामग्री और वितरण वापसी केन्द्र का अवलोकन किया। साथ ही कुनकुरी से पत्थलगांव तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का मुआयना भी किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव बहुत नजदीक है, 23 अप्रैल को चुनाव होना है, तो उसके तारतम्य में विभिन्न स्ट्रांग रूम्स, जो जैसे पत्थलगांव में एक स्ट्रांग रूम बन रहा है, उसी का मुआयना करने मैं और SP साहब गए थे। स्ट्रांग रूम का परीक्षण किया गया है। हम चाह रहे हैं कि कुनकुरी में भी एक स्ट्रांग रूम रहे, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे मतदान केंद्र हैं, उनको भी देखा गया था कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। गौरतलब है कि जशपुर जिला झारखंड और ओडिशा राज्यों से लगा हुआ है, जिसके चलते सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जहां निर्वाचन आयोग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं अब साधु संत भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। वृंदावन से कोरबा पहुंचे संत रितेश्वर महाराज भी उन्हीं साधु संतों में से एक हैं, जो धार्मिक प्रवचन के अलावा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, भारतवर्ष के नागरिक को, निकल के वोटिंग करनी चाहिए। ये पिछड़ा देश है जहां सिर्फ 60-65% वोटिंग होते हैं। एक स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र की ये निशानी है जहां 90% से ज्यादा वोटिंग है। इसलिए इस जागरण के लिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। मुझे विश्वास है कि साधु अब तक धार्मिक यात्रा करते आए हैं, अगर राष्ट्र में मतदाताओं के जागरण के लिए यात्रा करें तो उसका प्रभाव पड़ता है। सभी लोग नागरिक के रूप में आए हैं, मैं नेता के रूप में किसी को नहीं देख रहा हूं, सभी नागरिक के रूप में आए हैं और सभी हमारे गुरु भाई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक ले रहे जगह जगह सभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मुंगेली और राजनांदगांव में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। मतदाताओं को जागरूक करने राजधानी के नंदनवन में नेचर वॉक का किया गया आयोजन। और प्रदेश भर में नवरात्र की अष्टमी और रामनवमी की धूम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।